गाइज एक सीरीज है जिसका नाम है राणा नायडू और इसको आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इसमें टोटल 10 एपिसोड है और सारे एपिसोड 45 और 50 मिनट के आसपास के हैं। ये सीरीज अमेरिकन टीवी सीरीज रेड डोलोवन का ऑफिशियल एडॉप्शन है और गाइज रेड डोलोवन के टोटल 2013 से 7 सीजन आ चुके हैं, लेकिन गाइज राणा नायडू का ये पहला सीजन आया है। और गाइज मैं एक बात और आपको बता दूं कि मैंने इसकी ओरिजिनल सीरीज रे डोलोमन नहीं देखी, तो गाइज मैं कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करूंगा दोनों सीरीज का। गाइज इस सीरीज की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि इस सीरीज में आपको साउथ के एक्टर्स, बॉलीवुड के एक्टर्स, कुछ एक्टर जो केवल OTT पर ही दिखते हैं वो लोग भी दिखेंगे इस सीरीज में। इस सीरीज की ये चीज़ सबसे अच्छी लगी है क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के एक्टर्स ने एक साथ इस सीरीज में काम किया है। गाइज इस सीरीज की कास्टिंग है राणा दंगुबती, वेंकटेश दंगुबती, सुरवीन चावला, अफरा सैयद, सुशांत सिंह, अभिषेक बनर्जी, प्रिया बनर्जी, आदित्य मेनन, आशीष विद्यार्थी, गौरव अरोड़ा जैसे एक्टर्स इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। गाइज अब बात करते हैं सीरीज की स्टोरी की। तो गाइज मुंबई में किसी भी सेलिब्रिटी को जब कोई प्रॉब्लम आती है या और गाइज वो प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे उन्होंने कोई क्राइम किया हो या कोई उनको परेशान कर रहा है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, वो सब लोग एक ही नाम बुलाते हैं जिसका नाम है राणा नायडू, और राणा आके उन सब की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन गाइज वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को नहीं सुलझा पा रहे हैं। गाइज सीरीज में राणा सेलिब्रिटीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए दिखेंगे और साथ ही साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी दिखाई जाएगी और उनकी फैमिली की भी लाइफ दिखाई जाएगी। और गाइज सीरीज में ये देखना होगा कि राणा नायडू सेलिब्रिटीज़ की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देते, लेकिन क्या वो अपने परिवार की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। गाइज अब बात करते हैं इस सीरीज में अच्छा क्या था। तो गाइज इस सीरीज के 10ों एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, कोई भी एपिसोड में आपको कम या ज़्यादा नहीं मिलेगा, सारे एपिसोड बराबर हैं। जितना फर्स्ट एपिसोड आपको एक्साइटिंग लगेगा उतना ही लास्ट एपिसोड भी लगेगा और बाकी सब एपिसोड भी उतने ही एक्साइटिंग लगेंगे। और बहुत सीरीज में क्या होता है कि शुरुआत के एक दो एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और फिर लास्ट के एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और बीच के एपिसोड एकदम नॉर्मल से होते हैं और बोरिंग होते हैं, लेकिन इस सीरीज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना अच्छा फर्स्ट एपिसोड मिलेगा उतने ही सारे एपिसोड भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। और गाइस सीरीज में गाली गलौज बहुत ज्यादा मिलेगी और गाइस सीरीज में एडल्ट सीन, सेक्स सीन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और गाइस हम सबके जो फेवरेट एक्टर्स हैं वो लोग भी गाली देते हुए और एडल्ट सीन करते हुए देखे जाएंगे इस सीरीज में। ये सीरीज बिल्कुल भी फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है, इसको आप अकेले में या फिर दोस्तों के साथ ही देख सकते हैं। और गाइस एडल्ट सीन या गाली गलौज जो भरी है इस सीरीज में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि बिना इसके मज़ा ना आती या रियलिटी जो है सीरीज की वो ना दिखाई जा सकती थी। और गाइज वेंकटेश दग्गुबाती बहुत ज़्यादा इस सीरीज में अल्लाश टाइप के दिखे हैं और राणा नायडू उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसका क्या रीजन है वो आप सीरीज में देखना। वेंकटेश दग्गुबाती इस सीरीज में एकदम ग्रे कैरेक्टर में थे और उनको देख के आप हीरो कहोगे या विलेन कहोगे ये आपकी चॉइस है, लेकिन गाइज मुझे तो वो हीरो ही लगे हैं। और गाइज अब बात करते हैं सीरीज में क्या अच्छा नहीं था। गाइज इस सीरीज का क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगा मुझे, क्लाइमैक्स में जो दिखाया गया उसको आप प्रेडिक्ट कर लोगे, लेकिन गाइज जो बाकी सीरीज में जो चल रहा था वो चीज़ आप कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। और गाइज जैसा कि मैंने बताया भी था, जितना अच्छा एपिसोड फर्स्ट है उतना ही बाकी एपिसोड है, इसलिए क्लाइमैक्स में ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई। लेकिन गाइज इस सीरीज की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी, तो गाइज इस सीरीज को मैं दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।